हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई की मैंने भी शिखापुरी एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी लैंडमार्क जजमेंट दैट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान देखिए एक एग्जांपल एक सिनेरियो ले लेते हैं कि आज की अगर हम सिनेरियो की बात करें इंडिया की तो आज के सिनेरियो में नाइन्टी परसेंट नाइन्टी आई नॉट से द नंबर बिकॉज ये ऊपर नीचे हो सकता है बट मेजरली जो वुमेन हैं वो ऐसी हैं जो काम पर जाती हैं जो कोई ऑफिस जा रहा है कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं अब सिनेरियो में सेफ महसूस करते हैं मतलब हमें पता है कि अगर काम पर जाते हुए हमारे साथ कोई सेक्सुअल हेरासमेंट होती है हमारे एक वर्क प्लेस पे कोई सेक्सुअल हेरासमेंट होती है तो वी हैव प्रॉपर मैकेनिज्म रिगार्डिंग दैट बट जब हमारा 2013 का लॉ नहीं बना था या फिर जो बहुत ही लैंडमार्क गाइडलाइंस है विशाखा गाइडलाइंस वो नहीं आई थी उससे पहले का सिनेरियो कैसे था काम पर तो लेडीज उस समय भी जाती थी तो क्या उस समय लेडीज के साथ सेक्शुअल हेरासमेंट केसेस बहुत ज्यादा थे और क्या वो केसेस बाहर ही नहीं आते थे या फिर कौन सा एक्ट या फिर कौन सा लॉ उनके लिए बनाया गया था इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस केस में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इस केस के फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलिए आइए हम इस केस के बारे में चर्चा करते हैं बट फर्स्ट इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया तो देखिए आप मुझे इंस्टा ट्विटर टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर सकते हैं पी डी एफ जो है बेटा आपको कहां पर मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी राइट right? अब बात करते हैं इस केस के बारे में एक इंट्रोडक्शन से बात करते हैं देखिए क्या लिखा है विशाखा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान इज अ केस विच डील्स विद द एविल

बिकॉज देखिए देखिएसमेंट तो अः uh, मैन के साथ भी होती है वुमेन के साथ भी होती है ये कोई जेंडर बेस्ड चीज तो है ही नहीं ये हर दिन जितनी वुमेन फेस करती हैं मैन भी उतना फेस करते ही हैं बट ऐसा होता है कि कुछ केसेस जो है बाहर नहीं आते मेन ये केस बाहर नहीं लाते बट इट इज हाई टाइम कि हर एक जेंडर इस चीज को समझे अच्छे तरीके से देखिए कोई भी अगर आपको सेक्सुअली हेरास कर रहा है तो यू हैव टू कम आउट प्लीज एवरी वन वॉचिंग वीडियो प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज यू हैव टू कम आउट अगर आपके साथ सेक्शुअल हेरासमेंट हो रही है अब देखिये सेक्शुअल होता क्या है क्या लिखा है अनवेलकम फेवर और फ्रॉम वन जेंडर द अदर जेंडर इट मेक्स द पर्सन फील ह्यूमिलेटेड ऑफेंडेड एंड इंसल्टेड टू होम इट इज बीन डन देखिये आपको एक एग्जाम्पल दू बसेस में ये बहुत ज्यादा होता है कि जब आप बस में बैठते हो जब बहुत भीड़ होती है तो अगर मैं अपने कॉलेज टाइम की बात करूं तो हमारी बस में बहुत ही भीड़ थी ठीक है तो ऐसा एक सिनेरियो आ गया जहां पर जो है किसी ने मेरी फ्रेंड को जैसे ऐसा होता है ना कोहनी मारना स्टार्ट कर देते हैं फिर अनएप्रोप्रिएट टच करते हैं तो ये करना स्टार्ट कर दिया एंड वी जस्ट शाउटेड एंड वही होता है कि जो मेरी फ्रेंड थी उस, उसने उसको थप्पड़ मारा और उसके बाद में सिनेरियो स्टार्ट हुआ तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्लीज कम आउट लॉ आपके साथ है एवरी वन इज विद यू बिकॉज बहुत ज्यादा अवेयरनेस अब हो चुकी है तो प्लीज घबराइएगा नहीं ये सेशन इस चीज के लिए भी है कि प्लीज बी इट एनी वन चाहे आप लेडीज हैं आप मेन हैं वुमेन हैं बी इट एनी वन कोई भी जेंडर अगर ये होता है आपको बाहर आना है आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी है आप एक आवाज उठाएंगे ना तो जो ये लोग करते हैं ऐसा उनकी हिम्मत आगे नहीं बढ़ती वो आज आपके साथ कर रहे हैं आप आवाज नहीं उठा रहे हो वो दस और लोगों के साथ ये करेंगे लेकिन अगर आज आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज उठा दी जो आपके साथ हो रहा है आपने उसके खिलाफ आवाज उठा दी तो उस इंसान की हिम्मत आगे नहीं रहेगी वो किसी और के साथ भी ऐसा नहीं करेगा तो इट इज अप टू यू गाइस चलिए अब बात करते हैं केस की तो केस के जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं नेम ऑफ द केस वाज विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स साइटेशन की बात करें तो 1997 सेवन सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 241 नेम ऑफ द कोर्ट इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पिटिशनर इस केस में कौन थे विशाखा एंड अदर्स देखिए विशाखा एक एनजीओ का नाम है वो थे और उनके साथ और भी एनजीओ शामिल हो गए थी रिस्पोंडेंट्स की बात करें स्टेट ऑफ राजस्थान राजस्थान का केस है फैक्ट्स पढ़ेंगे एक स्टोरी की तरह बहुत ही अच्छे से एनालाइज होगा आपको ऑनरेबल बेंच की बात करें तो उस समय चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस जे एस वर्मा ऑनरेबल जस्टिस सुजाता वी मनोहर एंड ऑनरेबल जस्टिस बी एन किरपाल की जजमेंट और ये जजमेंट आई कब ये लैंडमार्क जजमेंट आई है जनाब थर्टीन ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन तो चलिए अब फैक्ट्स की बात करते हैं तो देखिए सिलसिला कहां से स्टार्ट हुआ राजस्थान का एक शहर राजस्थान की एक बात है वहां पर एक लेडी है जिनका नाम है भवरी देवी भवरी देवी 1985 में अपॉइंट होती है बाय सरकार और सरकार एक मुहिम चलाती है कि देखिए क्या होगा सोशल वर्कर अंडर वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक चलाती है हमारी सरकार और उनके अंडर जो हमारी भवरी देवी हैं वो अपॉइंट होती हैं और वो क्या काम करती हैं देखिए जो भी सोसाइटी के जो भी विलेजेस की बात की जाए तो विलेजेस में जो भी ऐसे सोशल इविल्स होते हैं जैसे चाइल्ड मैरिज कह लीजिए या फिर और भी बहुत सिनेरियोस विलेजेस में चलते हैं तो उनको रोकने के लिए ये जो प्रोजेक्ट था वो चलाया गया था तो देखिये भवरी देवी रोज आए दिन अपना काम कर रही थी एक दिन क्या हुआ एक दिन एक पर्टिकुलर इंसान जिनका नाम था रामकरण गुज्जर रामकरण गुज्जर जो है वो अपनी डॉटर की शादी करवाते हैं बाल विवाह ठीक है बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज और उनकी डॉटर कितने साल की थी नाइन नौ साल की उनकी डॉटर थी उसकी शादी करवाते हैं। उनकी शादी करवाने लग जाते हैं अब भवरी देवी बिकॉज ऑब्वियसली उनको सरकार ने भी ये काम सौंपा है और एक मॉरलिटी की भी बात की जाए तो भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे सोशल इवेंट्स को रोका जाए तो भवरी देवी उस घर में जाती है और इस ये जो शादी हो रही होती है उसको रोकती है बट देखिए रोकती हैं जब रोकने लगती हैं तो ये जो गांव वाले होते हैं वो उनकी बहुत ही निंदा करते हैं ठीक है वो उनके बिल्कुल भी साथ नहीं देते पहले यही गांव वाले जब वो सोशल वर्क कर रही थी उससे पहले तब ये उनकी वाहवाही करते थे लेकिन आज जब उन्होंने ये चाइल्ड मैरिज रोकी तो निंदा करना स्टार्ट हो गई देखिए फिर उसके बाद में जब भवरी देवी की बात जो है रामकरण करण गुजर नहीं मानते उसके बाद भवरी देवी किन को कंप्लेट करती है और ये बड़े अफसर तक बात पहुंचती है और उसके बाद में ये शादी उस समय तो रुकवा दी जाती है लेकिन ये शादी नेक्स्ट डे फिर से हो ही जाती है तो यहाँ पर जो लोग थे जो गांव के लोग थे वो बहुत ही निंदा करते हैं और वो कहते हैं कि आखिर क्यों ही किया देखिए एक माहौल खराब कर दिया शादी का माहौल होता है उसको खराब कर दिया और ये तो सदियों से प्रथा चली आ रही है ठीक है चाइल्ड मैरिज जो है बैन तो बाद में हुआ लोग कहने लगे कि बैन तो बाद में हुआ लेकिन प्रथा तो बहुत समय से है तो ये तो चलती ही रहेगी आज भी अगर बात करें तो ये प्रथा तक तो कहीं ना कहीं चल रही है ठीक है तो देखिए अब क्या होता है पुलिस आती है और ये जो शादी है रुक जाती है लेकिन तब भी ये शादी होती है अभी तक भी सिनेरियो ठीक चल रहा था कहीं ना कहीं देखिए ऐसा था बिकॉज़ जो ये काम किया भवरी देवी ने उसके बाद लोगों ने बिल्कुल बॉयकआउट कर दिया उनके साथ लोग जो गांव के लोग थे वो उनसे बात नहीं करते थे कभी कभी भवरी देवी के जो हस्बैंड है उनकी मारपीट भी कर दी जाती लेकिन बात है सितंबर 1992 की जब जिस फैमिली की जो बाल विवाह हो रहा था वो फैमिली बदला लेने के लिए क्या करती है भवरी देवी का गैंग रेप करती है इन फ्रंट ऑफ हिज हसबैंड मतलब हस्बैंड भस, को पांच लोग आते हैं पांच लोग आते हैं और पहले तो हस्बैंड को अनकॉन्शियस करते हैं मतलब उनको बहुत ही जोर से मारते हैं जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उसके बाद भवरी देवी का गैंग रेप करते हैं अब देखिए भवरी देवी एक बहुत ही जो कहते हैं एक मोटिवेशन उनके फैक्टर उस भवरी देवी में था वो झुकी नहीं लड़ती नहीं वो अपनी कंप्लेन दिखवाने जाती हैं पुलिस ऑफिसर के पास अब पुलिस भी उनके साथ क्या करती है देखिए किस तरह से ये जाएगा इस फैक्ट में आप देखोगे कि किस तरह से सिस्टम कह लीजिए लोगों की सोच कह लीजिए किस तरह से भवरी देवी को कहा नहीं लड़ना पड़ा पुलिस ऑफिसर के पास भी जाती हैं तो पुलिस ऑफिसर क्या कहता है कि जो आपका लहंगा है उसमें जिन लोगों ने आपके साथ रेप किया है उनके सीमन तो होंगे ना तो आप ये लहंगा यहीं पर छोड़ के जाइए जो आपने पहना हुआ है ये एक एविडेंस के रूप में काम आएगा तो भवरी देवी इस विश्वास के साथ कि चलिए मेरी एफआईआर तो फाइल हो जाएगी कम से कम कंप्लेंट तो होगी वो अपनी क्या करती हैं उस लहंगे को छोड़ती हैं और उनके हस्बैंड की पगड़ी से अपने आप को ढकती हैं और जाती हैं इट वॉज मिड जब ऐसा उनके साथ होता है उसके बाद में देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनके उनको जाना पड़ता है लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन भी जब वो करवाने जाती हैं तो जो मेल डॉक्टर होते हैं वो उनके मेडिकल एग्जामिनेशन को भी मना कर देते हैं और क्या लिखते हैं सिर्फ उनकी एज लिखते हैं और रेप का कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता लेकिन बाय द गॉड्स क्या होता है ये जो, ये जो जो बात हुई थी ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है बिकॉज उस उस समय की एक पत्रिका थी, उस पत्रिका थी ने इस बात को छाप दिया था उसकी वजह से ये बात बहुत फैल जाती है लेकिन देखिए यहां पर क्या होता है ये जो पांच एक्यूज थे उनको एक बहुत ही पीछे से बैकअप मिला हुआ था किसी एमएलए का और जब ऐसी चीजें बीच में जुड़ जाती हैं आपको बैकअप मिल जाते हैं फिर आपको कौन रोके फिर आपको कौन तभी तो, ना पुलिस ऑफिसर ने सुनी ना मेडिकल ने सुनी लेकिन हाउवर ये केस कहां तक पहुंचा सेशन कोर्ट तक पहुंचा लेकिन सेशन कोर्ट ने भी क्या किया कर दिया बिकॉज एविडेंसेस एविडेंस की कमी थी तो सेशन कोर्ट ने क्या किया इन पांचों को बाइजत बरी कर दिया अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो बात थी ये बहुत ही ज्यादा फैल गई थी तो यहाँ पर क्या होता है यही जो किया गया यहाँ पे बहुत ज्यादा एनजीओ अब बीच में आती है एनजीओ को जब ये बात पता चलती है पर्टिकुलरली जो विशाखा एनजीओ भी है उनको भी ये बात पता चलती है तो वो भी हमारी भवरी देवी का साथ देती हैं इस बात को लड़ने के लिए और फिर क्या होता है पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट देखिए हमारी जो पीआईएल है वो फाइल होती है पिटिशन फाइल होती है आई एम सॉरी फाइल की जाती है कहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की जाती है नॉट ओनली बाय विशाखा एनजीओ बट बाकी हैं उनके द्वारा भी पिटीशन की जाती है और इसी पिटिशन के बाद हमारा थर्टींथस्ट ऑफ नाइनटी सेवन में क्या होता है जजमेंट आती है देखिए मेन जो मुद्दा बना था एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई थी कि देखिए भवरी देवी कर क्या रही थी भवरी देवी तो एक तरह से अपनी ड्यूटी निभा रही थी ना जो उनको काम दिया गया था वो वो कर रही थी अगर उन्होंने चाइल्ड मैरिज को रोका तो वो क्या कर रही थी अपना काम कर रही थी तो क्या काम करते हुए भी उनको इतनी सेफ्टी नहीं है उनका गैंग रेप कर दिया जाता है? ये कहाँ का इंसाफ है ये क्वेश्चन हुए थे कि वर्क प्लेस पे कब तक ऐसी सेक्शुअल हेरासमेंट चलती रहेगी तो यहाँ पर और भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग बात करें तो बहुत ही ज्यादा आर्टिकल्स को यहाँ पे गिना गया आर्टिकल फोर्टीन इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल ऑफ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन रेस कास्ट एंड एंड बर्थ जेंडर आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज वन जी राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये सारे हमारे राइट्स फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और देखिए देखिये किस बारे में बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत महान है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक प्रोविजन दी गई है हर एक आर्टिकल दिया गया और फंडामेंटल तो बहुत एक मेन कड़ी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो क्या क्या हमारे को राइट right नहीं दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि लॉ सबको इक्वल मानेगी किसी को भी रिलीजन कास्ट बर्थ के अकॉर्डिंग क्या नहीं होगा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा सबको अपना प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का अधिकार है सबको अपना लाइफ जीने का अधिकार है सबको अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है लेकिन जब ये सेक्सुअल हेरासमेंट के केसेस आते हैं तो कौन सा पर्सन डिग्निटी के साथ जीता है ठीक है जो ऐसे केसेस होते हैं अगर रेप होता है तो देखिए इस केस में तो इंसान की सोल तक खत्म हो जाती है बाकी तो बातें क्या करनी तो अब इस केस की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्डिक्ट की बात करें देखिए थे फर्स्ट अगर इश्यू की बात करें तो यही हुआ था ट्वेंटी हेरासमेंट कि जब किसी के साथ भी होगी तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स जो है उनको वायलेट करता है सेकंड बोला गया कि वेदर इंटरनेशनल कन्वेंशन कैन बी अप्लाइड इन केसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट डोमेस्टिक लॉस कि अगर कोई भी होता है अब देखिए अगर उस समय की बात करें वर्क प्लेसमेंट की बात करें कोई भी पर्टिकुलर लॉ इस रिगार्डिंग नहीं था ठीक है तो ये बात हुई कि देखिए अगर कोई भी डोमेस्टिक लॉ नहीं होता है तो क्या अगर ऐसे केसेस होते हैं उनके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन के लॉज लगाए जा सकते हैं या फिर नहीं लगाए जा सकते थर्ड पॉइंटर कहता है

ये तरह से हमारी ब्रांचेस होती हैं अलग अलग ठीक है तो एग्जेक पावर जो है यूनियन की वो भी क्या है हमारी आर्टिकल सेवन थ्री में बात करती है ठीक है कि इस तरह से एग्जैक्ट एक्सटेंड भी हो सकती है एग्जेक पावर तो इस जजमेंट में यही बात की गई कि देखिए देखिये वॉयलेशन है हमारे फंडामेंटल की राइट right वॉयलेशन है और हमारे को 42 में दिया गया है कि ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए फॉर द इन द वर्क प्लेस और ये भी बात की गई है कि अगर पर्टिकुलर लॉ नहीं है तो इंटरनेशनल कन्वेंशन के लॉज लगेंगे और यह कहा गया द कोर्ट एक्नोलेज द नीड फॉर गाइडलाइंस टू रेंडर जेंडर इक्वालिटी जो जेंडर इक्वालिटी के लिए भी गाइडलाइंस प्रॉपर मेंशन करनी पड़ेगी हमारे को नीड है इस चीज के लिए अगर पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे गाइडलाइंस बनाने की बात की जाए तो वहां पर भी नीड है मैंडेटरी है ऐसी गाइडलाइंस को बनाना जिससे सेक्सुअल हेरासमेंट वर्क प्लेस पे कम की जाए

किसी के साथ ऐसी सेक्सुअल हेरासमेंट जैसी प्रैक्टिस हो ही ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पहले ही ना हो ठीक है कंप्लेंट मैकेनिज्म और बाय चांस अगर किसी के साथ ऐसी जो घटना है वो हो जाती है तो एक प्रॉपर कंप्लेंट मैकेनिज्म हो और जब कंप्लेंट कर दी किसी ने भी इस रिगार्डिंग कंप्लेंट कर दी तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए प्रॉपर एक्शन लिया जाए ताकि लोग डरें डरे क्या एक लोगों में परिवर्तन आए सोच में परिवर्तन आए। Next, for workers initiative. जरूरी हेरासमेंट है, है।, हैं, हैं, है, है अगर किसी के साथ हो भी रहा है वो भी इस मैकेजम है उसके थ्रू प्रोसेस करें और अगर कोई देखता है कि मेरे कलीग के साथ ऐसी घटना हो रही है तो वो भी आगे आए और वो उनको भी बोले कि आप कंप्लेंट कीजिए इनके खिलाफ और खुद भी जाके डिपार्टमेंट को बताए अवेयरनेस अवेयरनेस होनी चाहिए कुछ कुछ चला दो, कुछ कुछ ऐसे ऐसे चला दो ऐसी चीज जैसे अपने ही ऑफिस में थोड़ा सा बंटवा दीजिए कि देखिए इस तरह से हमारे ऑफिस में काम होता है सेक्सुअल हेरासमेंट के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म दिया गया है ये भी प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए सबके लिए तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो विशाखा गाइडलाइंस भी कहा जाता है जिसको जो इस केस के द्वारा आई

एक तरह से बात करें जजमेंट हमारी 1997 की एक्ट कब आया 2013 में आया देखिए कितना ही ज्यादा समय लगा एक एक्ट भी आने में सेक्सुअल एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिग्रेशन एक्ट 2013 में आया है जनाब तो कितना लंबा चौड़ा जो समय है वो भी लगा एक्ट भी आने के लिए तो कुछ ना कुछ अगर हम एनालिसिस करें चीजों की सिस्टम की ही बात करें तो बहुत ही ज्यादा लूप होल सिस्टम में निकल जाते हैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर सेक्सुअल हेरासमेंट के रिगार्डिंग अगर हमने कोई लॉ बनाना हो ठीक है लेकिन तब भी देखिए कितना ज्यादा समय लगा है टू में एक्ट आया अब मुझे आप आप लोग मुझे बताइए कि क्या अभी भी अभी भी वुमेन कितनी सेफ है वुमेन की ही बात ना कीजिए एक पर्टिकुलर जेंडर पे ही नहीं लेते ठीक है नॉट ओनली वुमेन मेन आल्सो क्या सेफ है एक वर्क प्लेस पे क्या वो कहीं भी कभी सेक्सुअल हेरासमेंट फेस नहीं करते है सेक्सुअल हेरासमेंट का ऐसा ही नहीं मतलब होता कि बहुत बड़ा आपको किसी ने अनएप्रोप्रिएट टच ही कर दिया टीसिंग भी, टीसिंग भी है तो इसमें अब आप देखिए क्या चेंज लाने की जरूरत है एक्ट हम बनाते रहेंगे हर चीज के लिए देखिए चाइल्ड मैरिज को बैन करने के लिए कब से एक्ट बन रखा है लेकिन हो रही है अभी प्रथा के नाम पर ऐसी इविल चीजें होती हैं किस चीज की बदलाव की जरूरत है जजमेंट या बदलाव सीरीज में हम जजमेंट तो आपके लिए ले आए कि देखिए जजमेंट ने लॉ में तो बदलाव कर दिया नेशन में बदलाव ले लिया लेकिन क्या ये सोच में बदलाव लेकर आई है लोगों की सोच से ही तो ये ऑफेंसेस हो रहे हैं जनाब सोच ही तो गलत है सोच बदलनी पड़ेगी तब ये ऑफेंसेस कम होंगे आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं क्या बदलाव करने की जरूरत है अगर गवर्नमेंट के तरीके से भी देखें तो और क्या इनिशिएटिव लेने की जरूरत है लोगों को क्या इनिशिएटिव ले, लेने की जरूरत है यू आर गोइंग टू बी द ऑफिसर और आपको ये दिमाग में ऐसी चीजें होनी चाहिए आपके दिमाग में आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से अगर मुझे ये मौका सौंप दिया गया कि आप लॉ बनाइए तो आपकी क्या लॉ बनाएंगे आपको ये पता होना चाहिए तो आप मुझे बताएंगे इस रिगार्डिंग तो चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं जजमेंट या बदलाव की ये सीरीज हमारी चल रही है आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं बाकी की वीडियोज भी और इन वीडियोज को भी प्रॉपर लॉ से रिलेटेड आपको वीडियोज मिल रही है ठीक है आपके जो हमारे जुडिश के एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है तो उनके लिए ये जजमेंट्स या बदलाव की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी भी हमारी कानून को जाने भी सीरीज है आप उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आप प्रॉपर चेकआउट कर सकते हैं गाइस ठीक है चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तब तक अपना प्लीज ध्यान रखिए अपनी मेजरली हेल्थ का ध्यान रखिए और सोच को बदलने की कोशिश कीजिएगा और लोगों को भी बोलिएगा कि अपनी सोच को बदलो ठीक है थैंक यू सो मच गाइस जय हिंद जय भारत